हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों की हो रही है आज शिफ्टिंग, बहुत सारा सामान हमें इधर से उधर शिफ्ट करना है, तो चलिए जल्दी से अपनी शिफ्टिंग शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल रूम कैसा दिखता है। मम्मी हाय करो। हाय हैप्पी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे घर में शिफ्टिंग हो रही है हर तरफ और हम सारा सामान वगैरह चेंज करके, मतलब जो मम्मी वाला रूम नया रेडी हो गया है उसमें हम सारा अपना सामान लगा रहे हैं और मैं पी रही हूँ एक गिलास पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। हमारे दो मेजर काम हो चुके हैं, हमारा दीवान बेड लगा दिया है हमने एंड साथ में हमने वो भी लगा दिया है, क्या बोलते हैं उसको, LED पैनल। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज है ना, काम कर करके हालत ख़राब हो चुकी है, बट अच्छा भी लग रहा है क्योंकि फाइनल लुक बहुत अच्छा आएगा रूम का। आजकल ना जब हम चंदा मामा को देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। अब इस तरफ से निकलते चंदा मामा, पहले जो है पूर्व की तरफ से, ईस्ट की तरफ से निकलते थे, तो अभी इधर से निकलते हैं तो अच्छा लगता है रात को ना एकदम क्लियर स्काई में चंद्रमा को देखना ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी हो चुकी है हमारी सुबह, सारे वर्कर आ चुके हैं, अपने अपने काम पे जुट चुके हैं और हमने आपको चंदा मामा भी दिखा दिया, हमने आपको सन भी दिखा दिया। ये है टाइल्स को काट के रखा है जो हमारी सीढ़ियों के ऊपर लगेंगे और मैं अभी आपको ना अंदर का दिखाती हूँ कि हमारे रूम में कैसी कैसी हमने सेटिंग करी है रात को। सो चलिए फाइनली हम रूम में एंटर करते हैं। ये है हमारा रूम जो हमने रात को पूरा सेट किया था। अभी इधर दीपू सोया था, हम लोग तो दूसरे रूम में सोए थे और ये है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर होगी हमारी अलमीरा, इधर हमारा रूम हो गया पूरा, हमने बहुत सेट किया। अभी बहुत सारी सेटिंग हमें और भी करने को बाकी है क्योंकि बहुत सारा सामान है इधर उधर उधर हो चुका है, तो फिलहाल तो ये रूम ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सिर्फ बेड हो गया साथ में ना अलमीरा, मम्मी के जैसे पूरे रूम के साथ ना पूरा अच्छे से जा रहा है। और इधर है जो हमारा, ये सारा हमें अरेंज करने, कपड़े वपड़े मम्मी के अलमीरा पूरी सेट करने वाली पड़ी हुई है, रात को प्रेस करी थी तो साइड में रखी है प्रेस, और ये सारी अलमीरा मम्मी की हमें दोबारा से अरेंज करनी पड़ेगी। तो हैंगर तो मैंने एज इज निकाल के दोबारा फिर से उधर ही लगा लिए थे, बट बाकी सारी अलमीरा ना हमें अच्छे से साफ करके फिर हम इसको सेट करेंगे। मम्मी कहते कि अब ना एक ही बार सेट करना, पहले मैंने सोचा ऐसे कपड़े रख देती हूँ, बोलते कि नहीं ऐसे ऐसे मत रखना कपड़े, अभी अच्छे से उसको सेट करेंगे हम। और ये वाला साइड का कॉर्नर देखो, अलमीरा भी साथ में होगी, यहाँ पे मम्मी अपने सारे कपड़े वपड़े निकाल तैयार करके यहाँ रख के अलमीरा में डाल देना, तो बेड के साथ मम्मी की अलमीरा होगी। वैसे मम्मी का रूम दूसरे वाला, बट मम्मी बोलते हैं कि मुझे ये वाला रूम अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी रूम बिल्कुल अच्छा नया हो जाता है ना तो वो रूम सबको अच्छा लगने लग जाता है, बट ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर में सारे रूम्स बहुत अच्छे हैं, सब में मन लगता है। और बट हाँ, ये रूम थोड़ा बंद बंद रहता था, अभी तो इसमें भी अच्छे से सबका मन लगने लग जाएगा। और बस बेड में सामान डालना है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी और भी करनी है। और इधर है बाहर दीपू की अलमीरा और इस रूम में भी सारा हमने जो पेटी में से सामान निकाला वो रखा हुआ है, तो LED को मम्मी ने ढक दिया था रात को, बहुत ज़्यादा सामान है इसे मैसअप हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा सेट करने की जरूरत है। बट हाँ, जो मेजर हमारे काम थे ऐसे ये अलमीरा बाहर निकालनी है, ये बेड बाहर निकाल के इधर लगाना था, वो उधर लगाना था और ये दीवान बेड इधर लगाना था, तो ये सारे हमारे काम हो चुके हैं। और अभी आ चुका है किसी का फ़ोन और इधर हमारी हो रही है तोड़फोड़। शुक्र है बातों बातों में दूध कड़ रहा है क्योंकि गैस कम थी, उबला नहीं है, बच गया है, उबलने वाला था बट बच गया।
ये हमारे दूसरे रूम की भी अच्छे से सेटिंग हो रही है। ये वाला जो हम दोनों हमारे रूम में ना ये जो बने हुए थे ना बॉक्सेस काइंड ऑफ है ना, हमने दोनों बंद करवा दिए क्योंकि उसमें ना अजीब मतलब फालतू सामान रखा जाता है, बाकी तो किसी काम वो आते नहीं है, तो हमने वो दोनों बंद करवा लिए। और साथ साथ में हमारा काम भी चल रहा था, हमने अपने शूज़ वगैरह धुल लिए, क्रॉक्स धुल लिए है ना, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है तो शूज़ तो पहनने पड़ेंगे। और साथ में हमने देखा कि किचन में मम्मी ने बना दी है आलू बैंगन की सब्जी। बहुत लोगों को बैंगन पसंद नहीं, बट मुझे बैंगन बहुत पसंद है। दूसरे वाले बैंगन, बैंगनी वाले बैंगन, वाइट बैंगन, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और हमने बना दिया बैंगन रायता, और साथ में हमने छोटू सा एक बनाया है नमक और अजवाइन का पराठा। और हमारे चाची भी आ चुके हैं, तो अभी हम जल्दी से आपको दिखाते हैं दीपू का रूम। हो चुका है हमारा इस रूम का काम, ये भी हमने बंद करवाया है, और ये ना बंद करवा के ना काफ़ी सही है, अभी हम अपने अकॉर्डिंग इसको वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे जब बहुत सारा हम एक्स्ट्रा सामान रख देते थे किसी इतना काम के कारण था, अभी पूरी प्लेन वॉल हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा सजाने में। और ये है इनकी काली एंड एवरीथिंग। सो बस अब इस रूम में हमें झाड़ू करना है, पोछा करना है, बाकी काम तो इसका बाद में होगा। फिलहाल आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही काम था इस रूम का, बाकी इस रूम में कोई वो रिपेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये रूम ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा है, बस इसमें पेंट वेंट होगा बस। आप ही आटा खराब कीजिए, ले लो आप, ये आपकी चाय ला, आप ले लो, मिलोगे आप, मैं बाहर देके आई हूँ अभी। हमारे घर के ऊपर के हिस्से में बहुत अच्छे से पेंट हो चुका है, बस अभी डबल कोटिंग होगी और फिर बहुत अच्छा आएगा निखर के। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हमने घर की एक एक चीज़ खुद से करवाई है, अपनी पसंद से करवाई है, बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, और कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और इसके बाद हम जाएंगे प्रिया दीदी को लेके आने के लिए। हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, तो एयरपोर्ट से प्रिया दीदी को हम बहुत जल्दी पिक करेंगे, और रास्ते में जाते हुए सफ़र बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ट्रैवल करते हैं ना, थोड़ा इंसान का माइंड भी फ्रेश हो जाता है, तो घर पे रह के इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। हम लोग पहुंच चुके हैं कुराली, और हमें जाना है, कहाँ जाना है अभी आपको मैं दिखाती हूँ। हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, और यहाँ पे आते ही हमें दिखे बहुत सारे एरोप्लेन, अभी आपको अच्छे से दिखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बहुत सारे एरोप्लेन देखे और बहुत मज़ा आता है ना इसे एरोप्लेन उड़ते देखना। हमने मुंबई में जब हम गए थे तब हमारा फ्लाई क्या कहते हैं यार एयर जो एयरपोर्ट के साथ में हमारा होटल था, तो वहाँ से हमने बहुत सारे टेक ऑफ होते देखे, और लैंडिंग भी, लैंडिंग नहीं दिखती, लैंडिंग शायद कम दिखती थी बट टेक ऑफ दिखते थे वहाँ पे। तो ये दिखा हमें एरोप्लेन, बहुत सारे हमने एरोप्लेन देखे, फिर उसके बाद हमने प्रिया दीदी का थोड़ा वेट किया, फिर हमने उनको पिक किया, एंड फाइनली वो आ चुके हैं अभी हमारे पास, तो उनकी तो एक्साइटमेंट ही नेक्स्ट लेवल की है। और उसके बाद हम निकल गए पहाड़ों में, अपने पहाड़ों में नहीं दूसरे पहाड़ों में, हमें जो है हमारा हमारी राजधानी शिमला, तो शिमला में जाते ही एक अच्छी सी वाइब आती है और मन खुश हो जाता बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के लिए निकल गए। रास्ते में हम थोड़ी एक ही जगह पे रुके थे, रास्ते में ज़्यादा नहीं रुके,
हम सिर्फ चाय पानी पीने के लिए रुके, तो मैंने मम्मी का स्वेटर शॉल निकाल लिया, अपना शॉल मम्मी का स्वेटर निकाल लिया। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, आई थिंक कौन सी जगह यार, ये शर्मा ढाबा है धतियार में आई थिंक ये, तो वहाँ पे शुक्र मैंने मम्मी का स्वेटर रखा हुआ है। ये मम्मी का स्वेटर मैंने बहुत टाइम पहले यहीं से शिमला से हमने लिया था, तो मम्मी अपना स्वेटर पहन लेंगे, मैंने भी अपना स्टॉल लिया हुआ है, तो फिर मैं भी अपना स्टॉल ले लूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे ठंड है। घर से आए थे तो इतनी ठंड दिन दिन में तो नहीं लगती है, बट इस टाइम पे लगती है। तो पीछे मेरे चंदा मामा फिर से आ गए और हम तीनों इकट्ठा बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं ना, आप लोगों को बहुत टाइम के बाद हम इकट्ठा देखने को मिले हैं। फिर हमारी बहुत सारी डिस्कशन होती है, बातें बातें होती है ना, इतने टाइम के बाद मिलते हैं फैमिली में, तो बहुत सारा बातें होती है, कितनी सारी बातें जुड़ी होती है, ये बातें करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वैसे है ना। उसके बाद हमने पी चाय और साथ में हमने खाई मैगी। यहाँ की मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट वो होता है कि ज़्यादा मैगी थोड़ा खा लो ना तो हैवी हो जाता है ट्रैवल करना, बट ठीक है जैसा भी है अच्छा है, ट्रैवल में सारी चीज़ें चलती है। और यहाँ से देखो पहाड़ों का नज़ारा कितना सुंदर दिखता है। सो मैगी खा के चाय पी के हम लोग जा रहे हैं अभी शिमला फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। सो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में, हमने कॉम्बर मेयर होटल बुक किया था जो मॉल रोड के बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है मॉल रोड हमें जाना। यहाँ पे आते हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी, और जैसे हम होटल रूम में पहुँचे तो प्रिया दी ने मुझे ना कुछ दिया, ये देखो मुझे बहुत सारे टॉप्स दिए पहनने के लिए, तो मैंने इनमें से कहते दो जो पहनना है वो पहन ले, तो मैंने इनमें से बालियाँ सी पहनी, बहुत सारे यहाँ पे चंदा मामा वाले टॉप्स हैं, स्टार बने हुए हैं बहुत सारे थे छोटे छोटे, मेरे को सारे बड़े अच्छे लगे, बट फिर मैंने सोचा कि चलो बालियाँ वाले पहनते हैं, तो मैंने वही लिए और ये मैंने पहन लिए। कैसे लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा मॉल रोड घूमने के लिए, और चलिए चलते हैं जल्दी से अभी मॉल रोड की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। नहीं अभी हम मॉल रोड में नहीं पहुँचे, अभी तो हम वहीं पे होटल में ही हैं। हाँ वहाँ पे ना जब आप चाँद को देखते हो ना, मतलब पहाड़ों के आप ऊपर पहाड़ों में जाते हो तो ऐसे लगता है कि चाँद नीचे है, और जब हमारे एरिया से देखते हो तो लगता है चाँद बहुत ऊँचा है। सो जी चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं, घूमते हैं बाहर जाके थोड़ा सा। रात के टाइम पे मॉल रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, बट अच्छा बहुत लगता है शाम रात के टाइम पे वहाँ पे घूम के ना। इन्नी 1873 हाँ ये है 18 स्पेशल आए हैं। हाँ भाग भाग के माँ, और ये मम्मा कचरा साफ करने वाली मशीन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, बोलती है मॉर्निंग। शिमला से हम लोग कल रात को ही पहुंच गए थे, सो अभी हम लोग सुबह हो चुके हैं नहा धो के रेडी, तो हम लोग जाएंगे अभी घूमने ऊपर मॉल रोड पे, थोड़ी सी हमें शॉपिंग भी आज हम सोच रहे कर लेंगे क्योंकि विंटर्स आ रही है, शादी भी आने वाली है, तो थोड़ी हम शॉपिंग करेंगे और उसके साथ साथ में हम घूम के आएंगे शिमला। हम 4-5 महीनों के नहीं, हम शिमला लास्ट टाइम आए थे फरवरी में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 7-8 महीने के बाद हम शिमला आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है शिमला आके, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने अपने क्रॉक्स पहने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड तो थी नहीं, और ऊपर से बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि शूज़ पहनने का इतना वो नहीं, तो मैंने अपने क्रॉक्स पहने कम्फर्टेबल से, एंड आई एम रेडी। चलिए अब हम चलते हैं, एंड साथ में मैं इस पर अपनी वॉच लेके आना नहीं भूली, 9:30 हो चुकी है, बोल रही 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है तो जल्दी आ जाओ। सो चलिए अब हम चलते हैं, लेट्स गो। मम्मी चाबी चलो, हाँ हाँ सामान तो अंदर रहने देंगे, अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने हैं। मम्मी आप खुश हो, मम्मी कितने टाइम के बाद हम आ रहे हैं ना शिमला में। हाँ मम्मी को ये सूट याद नहीं था, मम्मी ये सूट मैं आपके लिए वहां से लेके आई थी कानपुर से, कौन सी वाली दुकान थी मुझे दुकान का नाम नहीं याद, दिखाना मम्मी आगे से, बहुत सुंदर लगता है ये, तो मैंने वहां से लिया था ये, मुझे नहीं पता चलता कहाँ जाना क्या, जब बंदा अकेला होता है ना तब पता होता है, अब आपको पता कि सब लोग साथ में हैं तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। भाई ठंड लग रही है पर अच्छा लग रहा है।
अब थोड़ा ठंडा ठंडा भी हो गया है। हमारे उधर भी काफी ठंड हो चुकी है बट शिमला में थोड़ी ज्यादा ठंड है, तो इसलिए हमने अच्छे से पैक वैक होके तब चले। हाँ फोर्थ फ्लोर है, जब रुकती है ना तब ऐसे झटका सा लगता है। भैया बफे इस तरफ है, कौन से इस पे है, पैदल जाना पड़ेगा। आज मम्मी आ जाओ, ये सीढ़ियाँ अच्छी लगती है ना मम्मी, यहाँ है बफे मम्मी। हाँ और मम्मी वो देखो इससे भी ऊपर थोड़े ना है बफे, इससे भी ऊपर है। हाँ इससे ये है मम्मी, इधर थे कहाँ है बैंकेट हॉल है। हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर ऊपर मम्मी, यहाँ पे ना यहाँ पे एक मेरी रील इंस्टाग्राम पे मैंने बनाई हुई है, बहुत पुरानी बहुत अच्छी है। आज मैं खाना खा के खाना खाने के बाद बनाऊंगी मैं। हिमाचली टच वाला भी दे दो भैया कुछ, हिमाचली टच। हम लोग पहुंच चुके हैं रिज पे, मैंने सोचा कि अपना थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि मेमोरीज रहती है ना, और मैंने रील्स भी बनाई हुई वो भी बहुत जल्दी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। मैं सोची कि आराम से बैठ कर तब अपनी रील्स अपलोड करूँगी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेट सबका, मैं आगे पहुँच गई थी। सो हमने 1873 में किया अपना लंच, बहुत अच्छा यहाँ का पालक पनीर और मिसी रोटी होती है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, हम जब भी आते हैं यहाँ पे पालक पनीर और मिसी रोटी ज़रूर खाते हैं, हमारा लंच यहीं पे होता है। सो अब हम तैयार हैं वापस जाने के लिए। हाय गाइस, फाइनली अपने व्लॉग को आज मेरे को एंड करने का टाइम हो रहा है। हम ना पहले हम प्रिया दीदी को लेके आए थे, जैसे हमारा शिफ्टिंग हुआ ना, जैसे मम्मी वाला रूम में सारा हमने सामान रखा, उसके उस दिन रात को सारा काम वाम ख़त्म करके फिर मम्मी शादी में गए थे। फिर उसके अगले दिन टाइम ही नहीं मिला सामान सेट करने का, फिर हम नेक्स्ट डे चले गए थे प्रिया दीदी को एयरपोर्ट से लेने के लिए। फिर जब हमने उनको एयरपोर्ट से लिया उसके बाद हम चले गए शिमला, फिर शिमला में उन्हें नाइट स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ पर थोड़ा सा घूमे फिरे, और उसी दिन हम रात को वापसी के लिए निकल गए। तो रात को हम घर पर पहुँचे और उसके अगले दिन हमने रेस्ट किया। फिर हम गए थे आंचल के घर पर उसको करवा चौथ का पहला व्रत देने के लिए, और उसके बाद अगले दिन दशहरा था। दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल दशहरा था, मैंने अपने गांव का दशहरा भी आपको दिखाया है। और उसके बाद आज है, तो मैं आज अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बहुत यार बहुत दिनों से मेरा व्लॉग चल रहा है, ऐसे होता ना कि जब सब फैमिली मेम्बर इकट्ठा होते तो टाइम नहीं मिलता। मैंने आज सोचा कि नहीं यार, प्रिया दी बोलते आज अपना व्लॉग एंड कर ले आराम से, तो अभी मैं अपना व्लॉग अच्छे से एंड कर रही हूँ। यार इतने दिनों से मतलब बहुत सारी चीज़ें व्लॉग के लिए, बट क्या बोलता है कि आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो सब इकट्ठा, और आपके पास टाइम भी नहीं हो पाता कि आप अपना जो है व्लॉग बना पाओ ना अच्छे से। तो अब मैंने जैसे अपना मैं व्लॉग एंड करी तो मुझे लग रहा है कि यार कितना वो हो गया, मैंने व्लॉग ही नहीं अपना एंड किया, और वैसे मेरा मन था कि चलो सब इकट्ठा हम टाइम स्पेंड करें।
तो बट मैंने सोचा कि चलो यार आज अपना व्लॉग डाल देती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं मेरे व्लॉग करने, 3 दिनों से आए नहीं है, और बहुत अच्छा हमारा सारा टाइम है, बहुत अच्छा रहा, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला इतना, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर कभी उधर, बट हाँ घर के इतने काम में ना थोड़ी सी हमारी शिमला जाके आउटिंग होगी, मैं तो मना करी, मैंने कहा मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना, बट फिर सबने बोला कि प्रीति चलते हैं, इतना नहीं सोचते हैं तुम, चलो और थोड़ा सा तुम्हारा आउटिंग हो जाएगी, तो जाके अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना रिलैक्सिंग सा लगा, थोड़ा सा बाहर बंदा जाए ना थोड़ा सा अपने आप का माइंड भी डाइवर्ट, तब घर पे आके इंसान के माइंड में वही थॉट्स आते रहते हैं, और शिमला बहुत टाइम के बाद गए तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके, और मैंने अभी गर्म अपनी शॉल भी निकाली, भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी, पहले इतनी ठंड नहीं थी, और ये मेरी शॉल ना, ये शॉल मेरी बहुत पुरानी है, मतलब 2-2.5 साल पुरानी हो गई, ये मैंने ली थी लोहड़ी के फंक्शन के लिए, ली थी मैंने बहुत टाइम पहले, तब मैंने इसको पहली बार वो किया था। अब मैं सोच रही इसको ना इजी में वॉश करके ना अच्छे से प्रेस करके फिर रख दूँगी, फिर मैं इसको कभी कभी लिया करूँगी, आज मैंने कपड़ों में से निकाली, मैंने ऐसे सोचा कि चलो ये थोड़ी सी पहन लेती हूँ, देखने में बहुत हल्की सी लगती है बट ये बहुत गर्म है, शिंगोरा की है ये, मैंने और मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन मंगवाई थी, इसके अंदर मेरा पिंक सूट था और साथ मैंने ये शॉल मंगवाई थी, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है हमारे घर पे, ऊपर भी काफ़ी सारा हमारा काम हो चुका है, POP में पेंट हो चुका है, और हमारी जो है नई सीढ़ियाँ हैं वो बन चुकी है, वो सारी आई नो कि आप लोग बोलोगे प्रीति जी आपने हमें दिखा दें, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो सब दिखा दूँगी, और क्या क्या काम, बहुत सारे काम हैं, बहुत जल्दी सारा घर कम्प्लीट भी हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे एक चीज़ हमने ऑर्डर काफ़ी टाइम पहले से ऑर्डर कर दी, बन भी चुके, फिर वो हमारे घर में आएगी, उसके बाद हम बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ करेंगे, और एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, जैसे हम ना प्रिया दीदी भी घर पे है, तो ना मेरे को अपना स्किन पे थोड़ा ध्यान दे पा रही हूँ अच्छे से मैं, तो मेरे सारे ना यहाँ पे जो थे ना वो हल्के हल्के से वो ऐसे लग रहा था कि स्किन खुरदरी सी हो गई, अजीब सी हो गई है, तो वो सारे पिंपल्स वगैरह मेरे हट गए, क्योंकि मैंने जो मेरा विटामिन सी का बॉडी शॉप वाला वो स्क्रब है ना, मतलब फेस वॉश है, तो उसका हल्का हल्का ऐसे ऐसे अच्छे से मैंने रब किया यहाँ पे, अच्छे से मैंने यहाँ पे अच्छे से रब किया है, तो वो सारे क्लियर हो चुके हैं, वैसे भी जब हम सीमेंट मिट्टी में होते हैं ना तो फेस की हालत ख़राब हो जाती है, बट ठीक है अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है, और वेट मेरा कहाँ, मेरा 52 वेट था, अब मेरा 58 हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है यार मैं, मतलब मैंने अपने आप को ऐसे इतना मोटा मैं कभी थी नहीं, हमेशा से मैं नॉर्मल रही, प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग भी मेरा 74 या 75 तक मेरा वेट गया, उसके बाद मेरा फिर से वेट मेरा नॉर्मल आ गया था, अभी वैसे 58 वेट हो गया, अजीब सा लग रहा है कि यार ऐसे लगता है सांस नहीं आती क्योंकि आदत नहीं है ना इतना ज़्यादा वेट की कि मैं एकदम से मोटापा आ गया, फेस तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है ना, बराबरा फेस सबको अच्छा लगता है, बट वेट कम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यार मेरे जो पुराने कपड़े हैं वो मुझे पूरे नहीं आते हैं, आते तो टाइट टाइट से फंसे फंसे से कपड़े आते, तो लगता है यार क्यों इतना मोटापा एकदम, एंड आई नो कि क्यों हुआ है, क्योंकि पूरा दिन हम घर पे बैठे रहते हैं और फिर खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं होता है, बस ये होता है कि खाना खा लिया दैट्स इट, कोई इतना अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो सब होता है, और हो जाएगा वेट भी मैनेज हो जाएगा, बट ठीक है अभी इतना ज़्यादा खाया पिया जा रहा है तो नहीं हो पाता इतना, अब जितना मुझे ट्राई कर लो लेकिन वो नहीं हो पाती चीज़ें, तो 52 है भाई साहब, 54 तक तो करना पड़ेगा, एंड वेट लॉस जर्नी एक ऐसी होती है, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप पतले हो गए तो उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, नहीं आपको अपना लाइफस्टाइल वैसा बनाना पड़ता है कि आपका वेट गेन हो ही ना, 1-2 किलो हो तो आप उसको मैनेज कर लेते हो, मैं अपना वेट डेली चेक करती रहती हूँ, सो एनीवेज ये तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हैं, घर भी दिखाना है आपको कितना सारा बन चुका है, क्या क्या हो चुका है मेरे, मतलब मेरा मन करता है मैं सारा कुछ फटाफट से आपके शेयर कर दूँ, बट वो ना टाइम नहीं हो पाता है, वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, कहीं भी हमें जो है वॉइस ओवर करना होता है, कहीं भी हमें क्या करना कभी क्या, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से देख सोच समझ के फिर अपना व्लॉग हम आप लोगों के लिए दे पाते हैं, बट ठीक है आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे हैं, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और ये तो कभी मेरे फेस नोज़ पे एक अजीब से पिंपल हुआ, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।